नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिवर्सल एग्रोटेक में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मक्के की फसल में यूज किया जाने वाला नंबर वन खरपतवार के बारे में जिसका एक बार इस्तेमाल करने से मक्के की फसल में जो भी खरपत होगी वो पूरी तरीके से उसका खत्मा कर देगा बरसात के मौसम में जून से जुलाई के महीने के एंड तक आमतौर पर मक्के की बुआई की जाती है कहीं कई कही जगहों पर सिर्फ बरसाती मौसम में ही खेती की जाती है तो बाकी के मौसम में उसके ऊपर ज़्यादा पैमाने में खरपत उग जाता है अगर वक्त रहते खरपत को हटाया नहीं गया तो जो भी हम फसल को एन पी के खाद और सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं तो पूर्ण रूप से खरपत इसी खाद को अवशोषित कर लेते हैं और फसल के मुकाबले खरपत की ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इसीलिए एक बात हमेशा याद रखें कि खेत में खरपत निकालने के बाद ही फसल में खाद देना चाहिए बात करें मक्के की फसल में आने वाले खरपत की तो मुख्य रूप से मक्के की फसल में गाजर गवत जिसे हम कांग्रेस घास बोलते हैं उसी के साथ चौड़ी पत्ती वाली खरपत तथा सरकी पत्ती वाली खरपत का प्रमाण ज़्यादा पैमाने में देखने मिलता है तो इसे नष्ट करना एक किसान के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है तो इसी खरपत को हटाने के लिए आप अपने मक्के की फसल में बीएसएफ कंपनी के टिंजर खरपतवार का इस्तेमाल कर सकते हैं बीएसएफ टिंजर के अंदर टोप्रा मेजो थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट ए नामक टेक्निकल पाया जाता है यह एक चयनात्मक खरपतवार नाशी है तो दोस्तों टिंजर खरपतवार में काम कैसे करता है का फसल में एक बार स्प्रे करने के बाद टिंजर खरपतवार जड़ों जड़ों तथा पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है खरपतवार द्वारा अवशोषित किए जाने पर यह तुरंत ही अपना काम शुरू कर देता है ये खरपतवार के अंदर जाते ही सबसे पहले खरपतवार के जड़ों से जो पोषक तत्व लेते हैं उसका खाना भी बोल सकते उसे ज़मीन से लेना बंद करवा देता है उसके बाद धीरे धीरे दस से बारह दिनों में मक्के की फसल में से खरपत को पूरी तरीके से मार देने में ये सक्षम हो जाता है अगर टिंजर के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो टिंजर के अच्छे रिजल्ट के लिए इसके अंदर हमेशा फ्लक्स को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए इसके इस्तेमाल से बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने मिलेगा संकीर्ण पत्ते वाले खरपतवार तीन से चार इंच ऊंची और चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार होती है दो से तीन पत्तियों की अवस्था में हो तभी टिंजर का प्रयोग करना जरूरी होता है अगर अगर खरपतवार बढ़ गया तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी खरपत छोटा हो तभी इसका प्रयोग कर लेना चाहिए इसी के साथ एक बात हमेशा याद रखें कि टिंजर का प्रयोग जब भी आप करोगे टिंजर का प्रयोग करने के बाद लगभग 20 दिनों तक जो खेत की मिट्टी है उस मिट्टी को हिलाना नहीं चाहिए साथ ही में इसका प्रयोग करते समय मिट्टी में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए नहीं तो आपको रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो ज़मीन से फ्लड पानी दे सकते हैं फ्लड पानी देने के बाद तीन से चार दिनों के अंदर अंदर आप टिंजर का प्रयोग कर सकते हैं बरसात के मौसम में जब भी टिंजर का प्रयोग करोगे तो दो से तीन घंटे तक बारिश की संभावना नहीं होनी चाहिए अगर हम इसके डोज की बात करें तो एकड़ के लिए दस लीटर साफ पानी में तीस एम एल टिंजर और पाँच सौ ग्राम यानी कि आधा के जी फ्लक्स मिलाकर एक घोल तैयार कर लीजिए और उसी घोल के एक लीटर पानी के अंदर जो अपना चार्जिंग का पंप होता है बैक पंप उसे भरकर आप स्प्रे कर सकते हैं एक एकड़ के लिए दस पंप जो चार्जिंग वाले होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए टिंजर खरपतवार के फायदे की बात करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं संकीर्ण और तथा चौड़ी पत्ती वाले जो खरपत होते हैं उसे प्रभावी रूप से नियंत्रण दिलाता है फसल को सुरक्षित बनाता है उसी के साथ फसल हरी भरी रहती है लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि मक्के की फसल में अगर मोथा घास है तो मोथा घास के ऊपर ये टिंजर काम नहीं करेगा दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।